हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। रस्सी चाहिए, रबर चाहिए, तब जाके मजा आएगा। आज जो आप लोग यहाँ पे डाकबंगला चौराहा जाम कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? ये नरेंद्र मोदी बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, ये आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू किए हैं, हम लोग रद्द करवा के रहेंगे, रद्द करेंगे। इसलिए हम लोग ये रोड पर उतरे हैं। और नरेंद्र मोदी जुमलों की सरकार है, नरेंद्र मोदी 13% रोस्टर जो लागू किए हैं इनको खत्म करना है और इसको को रद्द करना ही होगा। जैसे कि आबादी के अनुसार ये आरक्षण दिए, 10% स्वर्णों का आरक्षण दिए हैं, तो हम मांग करते हैं कि हम लोग का आबादी जो है 85% है, तो उतना भी हम लोग का आरक्षण दिया जाए और नहीं तो ये रद्द किया जाए। और ये हम लोग ये रोड पर लगातार ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे जब तक ले 13 पॉइंट रोस्टर ये लागू नहीं, ये रद्द नहीं जब तक करते हैं। और ये 200 पॉइंट इनको लागू करना ही होगा, लागू करना ही होगा। ये बताइए, आप लोग कहते हैं यार जो संविधान है खतरे में है, किस तरह से खतरे में? संविधान खतरे में है, किस तरह से खतरे में है मैं बताती हूँ कि ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान ये नरेंद्र मोदी छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बिहार की जनता, पूरे देश की जनता ये संविधान को मिटने नहीं। 2200 दिखाने का काम किया, ये ताकी देखो, हमारा देखो, देखो, ताजमहल देखो, उसी तरह 2000 संकल्प रैली में आए थे उन्होंने। Jai 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 Jai
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।